नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 4 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पटना की हवा की स्थिति दिल्ली और लखनऊ से भी बदतर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक लखनऊ और पटना की स्थिति दिल्ली से भी बदतर रही। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद की वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 13 ऐसे शहरों के नाम की सूची निकाली है जहां की औसत वायु गुणवत्ता 400 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। डाक विभाग ने निकाली रिक्तियां। डाक विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। भारतीय डाक विभाग ने 3,650 पदों पर भर्तियां निकाली है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारतीय डाक विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.appost.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना से दिल्ली अब जल्द चलेगी वॉल्वो बसें। परिवहन विभाग ने छठ महापर्व में दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पटना स्पेशल वॉल्वो बसों का परिचालन शुरू किया था। विभाग के अनुसार दिल्ली से बिहार आने वाली बसें फुल हैं, इसी कारण स्पेशल बस चलाई गई है ताकि लोग छठ में सुरक्षित घर पहुंच सके। TMBU में स्नातक में बदला जाएगा 4 विषयों का पाठ्यक्रम। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक की कक्षाओं में 4 विषयों का सिलेबस बदलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भूगोल में स्नातक स्तर पर सिलेबस बदलने का भी फैसला किया गया है। UGC ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस बाबत राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है। सुधीर पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। भाजपा के जिला मंत्री और कहलगांव ग्रामीण मंडल चुनाव प्रभारी सुधीर पांडे ने अपना इस्तीफा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है, जिसके पश्चात सुधीर पांडे का इस्तीफा सोशल मीडिया पर दिन भर चलता रहा। फेसबुक पर जारी किए गए अपने पोस्ट में सुधीर पांडे ने कहा कि वे पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष की उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण वे इस्तीफा दे रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष उनकी बातों को अनसुनी करते हैं। PNR नंबर से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव। दिवाली और छठ पूजा के बाद घर लौटने वालों के लिए अहम सूचना। रेलवे PNR नंबर संबंधी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके पश्चात अब ट्रेन छूटने पर रिफंड पाना आसान हो गया है। यानी किसी यात्री ने कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाने पर उस यात्री का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। हालांकि यह तब होगा जब पहली ट्रेन देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है और इस वजह से यात्री अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ ना पाए। बिहार में फार्मासिस्ट के लिए 1311 पदों पर भर्तियां। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने फार्मासिस्ट के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली है। इसके तहत कुल 1311 पदों पर नियुक्तियां होंगी। ये सभी पद बिहार के विभिन्न अस्पतालों में स्थायी आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर लॉगिन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2019 है। बिहार के गांव भी अब हो रहे हैं डिजिटल। बिहार के गांव भी अब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बख्तियारपुर के लखनपुरा और फतुहा के अलावलपुर गांव की छवि तेजी से बदल रही है और इसीलिए वहां रहने वाली लड़कियां की जीवन शैली में भी बदलाव देखा जा रहा है। गांव की लड़कियां अब सिर्फ खेतों तक नहीं जाती, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और BPO तक भी जाने लगी है। 5 चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव का हुआ आगाज। बिहार में प्राथमिक कृषि साख समिति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि सूबे के अन्य जिलों की तरह भागलपुर में भी 5 चरणों में पैक्स का चुनाव जल्द होने जा रहा है। ज्ञात हो, इस चुनाव की देखरेख की जिम्मेदारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को है। मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म भरने में छात्रों की इस गलती से परीक्षा में बैठने में हो सकती है परेशानी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीनीय के साथ परीक्षा फॉर्म भरने में प्रदेश भर में 993 परीक्षार्थियों ने गलती की है। इन परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म में विषय भरने में गलती की गई है। बिहार बोर्ड की माने तो हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी और भोजपुरी में से कोई एक भाषा लेनी थी, लेकिन जो अहिंदी भाषी होते हैं उन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी का चयन वैकल्पिक विषय के तौर पर करना होता है, मगर सैकड़ों परीक्षार्थियों ने दूसरी भाषा के तौर पर वैकल्पिक विषय के चयन में गड़बड़ी की है। IPS विकास वैभव को IIT कानपुर ने किया सत्येंद्र कुमार दुबे अवार्ड से सम्मानित। IIT कानपुर में आयोजित एक समारोह में IPS अधिकारी विकास वैभव को सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, IIT कानपुर हर साल देश के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी को सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित करता है। सम्मानित होने के बाद विकास वैभव ने अपनी खुशी फेसबुक वॉल पर जाहिर की। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद से मिले JMM के नेता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से रिम्स में जाकर मुलाकात की, जिसके पश्चात हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि झारखंड में होने वाले चुनाव में उन्होंने महागठबंधन पर हामी भर दी है। दोनों पार्टी एकजुट होकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र किए जारी। बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए। अगले साल होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया। छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र PDF फॉर्मेट में जारी किए गए हैं।
जमालपुर की डॉक्टर नेहा को एशिया राइजिंग स्टार का खिताब मिला। बिहार के जमालपुर की रहने वाली डॉक्टर नेहा गुप्ता की खूबसूरती के विदेश में भी लोग कायल हो गए। दरअसल नेहा ने रूस के मॉस्को में आयोजित मिस एंड मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया, जहां नेहा मैरिडेन में फर्स्ट रनर अप रही। इतना ही नहीं, डॉक्टर नेहा को एशिया की विजेता और राइजिंग स्टार का खिताब भी मिला। हालांकि वे कुछ अंकों से ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड की विजेता बनते बनते रह गई। शाहरुख खान ने किया ऐलान, 2020 में आ सकती है उनकी नई फिल्म। अपने जन्मदिन के अवसर पर बांद्रा के एक ऑडिटोरियम में शाहरुख खान ने अपने आने वाली फिल्म की घोषणा की। शाहरुख ने बता दिया कि साल 2020 में उनकी एक फिल्म जरूर आने वाली है और जल्द ही इस फिल्म को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीपी ठाकुर ने दिया बड़ा बयान, जदयू और भाजपा के बीच बयानों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बयान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है, जिसके पश्चात भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने भी जदयू को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केसी त्यागी तो नीतीश कुमार की ही बाणी बोलते हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि चुनाव एनडीए एकजुटता के साथ ही लड़ेगी। बिहार के अधिकारी ने छठ पर लिखा लेख, फ्रेंच की पुस्तक में मिली जगह। बिहार के आईपीएस कुमार आशीष ने फ्रांस के लोगों को आस्था के महापर्व छठ के बारे में बताया, जिसे वहां के लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्होंने इसे फ्रेंच भाषा में लिखने की मांग की है। फिर कुमार आशीष ने फ्रेंच में ही एक लेख लिखकर छठ के धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक आधार और प्रभाव को परिभाषित किया। अधिकारी कुमार आशीष द्वारा लिखा गया लेख अब फ्रेंच भाषा की एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को कैलिफोर्निया में किया गया सम्मानित। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस FEE संगठन ने द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 पुरस्कार से नवाजा है। इस संगठन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर कैलिफोर्निया के सैन जोस में आयोजित एक समारोह में कुमार को इस पुरस्कार से नवाजा गया। आनंद ने इस कार्यक्रम में अपने भाषण में कहा कि लोगों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच होने से विश्व में बड़ा बदलाव आएगा। सुधा दूध की कीमतों में हुआ इजाफा। सुधा दूध की कीमतों में इजाफा हो गया है। कंफेड की एमडी सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि सुधा दूध के आधा लीटर के पैकेट के लिए ₹1 तथा 1 लीटर दूध के पैकेट के लिए ₹2 की बढ़ोतरी कर दी गई। बता दें कि किसानों से दूध खरीदने की दरों में सेवा से ₹2.5 तक इजाफा हो गया। इससे पूर्व दूध की कीमतों में बढ़ोतरी 2017 में किया गया था। बिहार के सभी पंचायतों में किसान कार्यालय होंगे स्थापित। किसानों के मदद और जानकारी के लिए अब सभी पंचायतों में किसान के लिए कार्यालय खोला जाएगा। अब तक 1465 पंचायत में किसानों के लिए कार्यालय खोला जा चुका है। वहीं 2020 तक सभी पंचायतों में कार्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष तक कृषि में बदलाव लाकर किसानों की आय को दोगुना करने की योजना रखी गई है। कार्यालय में किसानों को जानकारी और निर्देश दिए जाएंगे। जसप्रीत बुमराह जल्द लौट सकते हैं मैदान में। जसप्रीत बुमराह को लेकर बताया गया है कि उनकी जांच हुई है और वे ठीक है। जनवरी में वे वापसी कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वे मैदान में उतर सकते हैं। उनके ठीक होने से विराट कोहली और रवि शास्त्री को मदद मिलेगी। जनवरी माह में भारतीय टीम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में अपना प्रदर्शन करेगी, फिर उसे न्यूजीलैंड के साथ मैदान में उतरेगी। लोक आस्था का महापर्व आज हुआ संपन्न। आस्था का महापर्व छठ कल उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ व्रतियों ने 36 घंटे के लिए किए गए उपवास को छठ पर्व का प्रसाद खाकर तोड़ा। व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। घाटों पर छठ पर्व के लिए भीड़ उमड़ी थी। वहीं बहुत लोगों ने घर में ही छठ पूजा किया। सीएम नीतीश कुमार ने भी सूर्य को अर्घ्य दिया और बिहार राज्य के निवासियों की संपन्नता की कामना की। बांका जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थल पर जरूर भ्रमण करने जाएं। बांका जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना ना भूलें। लखदीपा मंदिर, पापहारिणी, मंदार पर्वत, जयेश गौरवनाथ जरूर घूमने जाएं। पटना से बांका जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 7 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को भी 6 से 6.5 घंटे का सफर करना होगा। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में सुबह में धुंध और दिन भर धूप रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के घर छठ पूजा का हुआ आयोजन। बिहार के नवादा के भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के परिवार में बीते 4 वर्षों से छठ का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार भी उनके माता पिता अपने पैतृक घर नवादा आकर छठ व्रत का अनुष्ठान किया। ईशान किशन की मां सुचित्रा सिन्हा और पिता प्रणव कुमार पांडे दोनों ही नवादा आकर इस साल छठ का त्यौहार मना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।